नमस्कार दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाले 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज के मैचों के लिए भारत की टीम का जो ऐलान है वो कर दिया है। 16 सदस्य टीम को भेजा गया है। रोहित शर्मा और बुमराह और कोहली जैसे क्रिकेटरों को आराम दिया गया है। 16 सदस्य टीम के कप्तान शिखर धवन रहेंगे, इनके साथ ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सुमन गिल, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, दीपक हुड्डा, रविंद्र जडेजा, ईशान किशन, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, आवेश खान, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध जयकृष्णा, शार्दुल ठाकुर और यजवेंद्र चहल जी को जो स्थान है वो दिया गया है। तो 16 सदस्यीय टीम का हाल ही में ऐलान भारतीय टीम के लिए दोस्तों कर दिया गया है। ये ऐलान BCCI के द्वारा दोस्तों किया गया है, ठीक है ना। इसके बाद में जो T20 सीरीज है वो खेला जाना है, तो उसमें कप्तान जो रहेंगे रोहित शर्मा रहेंगे, ठीक है ना। फिलहाल जो कप्तान भारतीय टीम का बनाया गया है वो बनाया गया है शिखर धवन को, और पहली बार ये होगा कि शिखर धवन भारत की टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों इसी प्रकार आप लोगों को यहाँ से जानकारी मिलती रहेगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा कि आने वाले समय में दोस्तों जो भी क्रिकेट से संबंधित जानकारी होंगी वो आप लोगों को हमारे YouTube चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। धन्यवाद।